हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जातीय समीकरणों पर चर्चा और भी तेज हो गई है और यह चर्चाएं इतनी तेज हैं कि विभिन्न दलों से संबंध रखने वाले नेता कह लें या समर्थक कह लें, अपनी जाति से संबंध रखने वाले विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो हरियाणा में राजनीतिक समीकरण एक नए मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां जातीय समीकरणों के आधार पर मंत्री पदों के आवंटन की मांग उठ रही है। सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बड़ौता ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व से अपील की है कि हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में ब्राह्मण विधायकों को उनकी संख्या के आधार पर मंत्री बनाया जाए और उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। आपको बता दें, करनाल स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा दूरदर्शी दृष्टिकोण को अपनाया है और यही कारण था कि जब सभी राजनीतिक विशेषज्ञ यह कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब ब्राह्मण समाज ने भाजपा का समर्थन किया। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष समेत कई महत्वपूर्ण पद ब्राह्मण समाज को दिए और विधानसभा चुनाव में 12 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया। उनमें से 7 उम्मीदवार विजय हुए और एक अन्य ब्राह्मण विधायक ने भी कांग्रेस से भी जीत दर्ज कर विधानसभा में प्रवेश किया। अब सुरेंद्र शर्मा ने मांग की है कि अब हरियाणा सरकार को मंत्रिमंडल के विस्तार में ब्राह्मण विधायकों की संख्या के आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह समाज के साथ न्याय और सम्मान की बात है, मांग रखी तो रखी। इसी के साथ अपनी मांग को और मजबूत बनाने के लिए सुरेंद्र शर्मा ने शीघ्र ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से मुलाकात करेंगे, यह भी कह दिया। अब देखना यह है कि क्या सुरेंद्र शर्मा बड़ौता के को अमली जामा पहनाया जाता है, यानी कि सच में क्या मंत्री पद के लिए जातीय समीकरण आधार बनता है या कुछ और। लेकिन यह सब तय करेगा भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह जिसमें विधायकों की तकदीर उनकी तस्वीर बनाएगी। फिलहाल तब तक के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी और अपने सुझाव इस विषय पर जरूर दें। धन्यवाद। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।